दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद शर्जील इमाम की बहन ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा पास करके एक नया मुकाम हासिल कर लिया। इस खबर के फैलते ही फरहा निसात सुर्खियों में बनी हुई है और उसकी वजह है राजद्रोह का आरोप लगा उनका भाई शर्जील इमाम। शर्जील इमाम वही नाम है जो दिल्ली दंगे में पकड़े गए आरोपियों में से एक है, जो इस वक्त सलाखों के पीछे है, जबकि बाहर उनकी बहन फरहा निसात ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से बेहतरीन मुकाम हासिल कर लिया और एक मिसाल पेश की है। इस खबर की जानकारी निसात के भाई मुजम्मिल इमाम ने दी है। बता दें, फरहा देशद्रोह के मामले में जेल में बंद शर्जील इमाम की चचेरी बहन है। इस खुशखबरी से शर्जील का परिवार बेहद खुश है। वहीं फरहा की इस उपलब्धि ने पूरे जहानाबाद को गौरवान्वित किया है। वो खास तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। फरहा की शुरुआती पढ़ाई काको में हुई। उनकी माँ अकबरी खातून गृहिणी है। उनके पिता निसात अख्तर सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं। फरहा ने क्लैट परीक्षा पास की। उसके बाद हिदायतुल्ला नेशनल यूनिवर्सिटी रायपुर से 2018 में कानून की पढ़ाई पूरी की। फरहा ने सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क और रिसर्च असिस्टेंट के रूप में भी काम किया है। यहां उन्होंने न्यायिक प्रक्रिया को करीब से समझा। इसके बाद उन्होंने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी। बताते चलें कि उनके छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट लिखा और कहा, जिंदगी का यही फलसफा है, एक तरफ भाई जुल्म के खिलाफ इंसाफ की लड़ाई लड़ने के खातिर जेल में, तो दूसरी तरफ बहन जुल्म के खिलाफ इंसाफ देने की खातिर अब जज की कुर्सी पर बैठेंगी। छोटी बहन फरहा निसात 32वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा में उत्तीर्ण होकर आज भाई को रिहा करने का मौका दिया है और मुझे उम्मीद है कि अपने कार्यकाल में तुम अपने फैसलों से किसी बेगुनाह के साथ जुल्म नहीं होने दोगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और ताकत दे। बता दें कि शर्जील इमाम के खिलाफ UAPA की धारा 13 और राजद्रोह का मामला दर्ज है। उसे जनवरी 2020 में गिरफ्तार किया गया। उस पर दिल्ली के जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। साथ ही बता दें, फरहा निसात की एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो साड़ी पहनी हुई है और कहीं ना कहीं इस तस्वीर को लेकर भी लोगों की तरह तरह की प्रतिक्रिया आ रही है कि उन्होंने हिजाब नहीं पहना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।